हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स की बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा हेल्दी सी न्यू रेसिपी, जिसे बच्चे मिनटों में चट कर जाएंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है। बोल में सबसे पहले मैं ऐड करूंगी आधा कप बेसन। बेसन में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटर रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। बैटर को रेडी करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे, आगे के प्रोसेस में चलते हैं। इसके लिए एक बोल ले लेंगे। बोल में सबसे पहले ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर। साथ ही में ऐड कर देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियाँ। बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी है तो यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड नहीं करूँगी मैं। आप इसे खुद के लिए बना रहे हैं या बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप इस तरह से बारीक ग्रेट किया हुआ पनीर। अच्छे से पनीर को भी सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी तैयार होती है, बहुत ही हेल्दी है, कम टाइम में बन जाती है, कम चीज़ों से बन जाती है। हल्का सा नमक ऐड कर देंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी बहुत ही क्विक एंड ईजी सी टेस्टी सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस में एक तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्लेम को अब हम लो पे कर देंगे। तवे को हल्का सा तेल से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ही नाम मात्र यहाँ पे तेल हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे बेसन का बैटर ले लेंगे और इसे चम्मच की सहायता से डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। छोटे छोटे से चीले से हमें बना लेने हैं। यहाँ पे साइज़ यहाँ पे अपने हिसाब से आप बड़े छोटे रख सकते हैं, बट इस साइज़ के काफ़ी अच्छे से बनते हैं। तो देखिए, फ्लेम हमारा लो पे है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में डाल देंगे जो स्टफिंग हमने तैयार की थी पनीर और सब्जियों की। तुरंत ही इसके ऊपर स्टफिंग डाल देनी है, नहीं तो जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो स्टफिंग इसमें चिपकेगी नहीं। ये हल्का सा गीला सा है अभी, तो इस तरह से चम्मच से हल्का सा स्टफिंग डालने के बाद दबा देंगे, जिससे कि स्टफिंग इसमें चिपक जाएगी और ये निकलेगी नहीं। अब इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, जिससे कि खाने में और देखने में दोनों में ही ये अच्छा लगेगा। आप चाहें तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसे ढककर पकाएंगे 1 मिनट तक। सिर्फ 1 मिनट ही इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हम ढक्कन को हटाने के बाद इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं नीचे से काफ़ी अच्छे से सिक चुका है, हल्का हल्का सा दबाते भी जाएंगे साथ में। ना तो इनो ना तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया है, फिर भी जालियाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें आई हैं। अब मीडियम फ्लेम पे ही इसे 1 मिनट तक इस तरह से पलटने के बाद दूसरे साइड से भी सेक लेंगे बिना ढके। 1 मिनट दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल लेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं तो चम्मच से नहीं निकालेंगे, नहीं तो स्टफिंग इसमें की निकल सकती है। इस तरह से हाथों से ही उठाएंगे तो आसानी से ये निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया नाश्ता रेडी हो चुका है मिनटों में। स्टफिंग इसमें अच्छे से चिपकी हुई है, तो सभी को निकाल लेते हैं। तो देखिए सभी को मैंने निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता तैयार हुआ है। इस तरह से बना के जब आप बच्चों के लंच बॉक्स में डालेंगे तो बच्चे झट से इन्हें चट कर जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज की ये प्रोटीन रिच लंच बॉक्स की रेसिपी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलूंगी आपसे एक और क्विक एंड इजी टेस्टी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।